हेलो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का एक टूर जो कि कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इट इज़ अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर MBBS एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स, हैज अ कोएड पोस्ट ग्रेजुएशन। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है, ये है हमारे कॉलेज कैंपस का मेन एरिया और ये सामने है स्वर्ण जयंती ऑडिटोरियम। ये वही ऑडिटोरियम है या जहाँ हमारे सारे फंक्शंस, डांस वगैरह सब होता है। आगे चलते किया जाता है हमारा एक छोटा सा गार्डन जहाँ हम बहुत सारी मस्ती करते हैं, कभी डांस, कभी पढ़ाई, कभी बर्थडे सेलिब्रेशन, तो ये उन सब चीज़ों को करने की एक छोटी सी जगह है। इसके बाद ये आ जाती है हमारे कैंपस का ओवरऑल व्यू। ये इकलौता ऐसा मेडिकल कॉलेज है पूरी दिल्ली में जहाँ आपको इतनी साफ सफाई मिलेगी। तो ये है एक और छोटा सा गार्डन जहाँ बहुत सारे फूल पौधे उगा रखे हैं और आपको हमारे कॉलेज में बहुत सारे डॉग्स मिलेंगे, बहुत सारे पपीज़, डॉग्स, दे आर इन अबंडेंस हियर। ये देखिए एक छोटू सा पपी और जो गार्डन में खेल रहा है। फिर यहाँ पे है कुछ सिटिंग एरिया के लिए बेंचेस। फिर ये है हमारे कॉलेज के सबसे आइकॉनिक स्पॉट, ये है लेडी हार्डिंग का स्टैचू जिसे हम प्यार से माता कहते हैं। फिर आगे चल के ये आ जाता है हमारी ओल्ड बिल्डिंग का एरिया जिसके राइट और लेफ्ट साइड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और आगे चल के ये आ जाता है एकेडमिक ब्लॉक जहाँ पे सभी एडमिशन्स, एग्ज़ाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये रहा एकेडमिक सेक्शन। तो आगे चलते ही हमें मिलता है एक डॉगी। ओह नहीं नहीं, ये तो हमारे कॉलेज का इंटीग्रल पार्ट है। इसके आगे चलते ही आ जाता है हमारा कॉलेज एंट्री या एग्ज़िट वाला एरिया और यहाँ बहुत सारी बसेस खड़ी रहती हैं जिनका मुझे काम कुछ भी नहीं पता क्योंकि कभी मैंने इनको चलते नहीं देखा। अगेन बहुत सारी ग्रीनरी मिलेगी आपको हमारे कॉलेज में। देन आगे चलते ही हमारा आ जाता है इकलौता कैफ़े जो कि है अमूल मेडिकल्स कैफ़े। फ़िलहाल ये बंद था बिकॉज इट वॉज संडे, सो इसकी फुटेज मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। सो दिस इज़ द कॉलेज व्यू फ्रॉम आउटसाइड। ये हमारे कॉलेज के बाहर बहुत सारी लाइटिंग्स लगा रखी हैं और ये है हमारे कॉलेज के रात का व्यू। ये बहुत ही प्यारा दिखता है रात में। फिर आगे चलते ही हम चले आएंगे टूवर्ड्स आर न्यू बिल्डिंग जो कि है ये। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है एंड इट्स न्यूली बिल्ट। ये हमारी न्यू बिल्डिंग इज़ फुल्ली एसी और इसमें सभी डोर्स ऑटोमेटिक हैं। चलो इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर चलते ही सबसे पहले लेंगे हम लोग लिफ्ट, उससे पहले ये रही मैं। फिर आगे चल के सबसे पहले आएगी लिफ्ट जिसको लेके हम ऊपर की तरफ जाएंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो ये है हमारा थर्ड फ्लोर जहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ फ्लोर जो है हमारे मिनी ऑडिटोरियम वाला एरिया। आई विश कि अगर ये मिनी ऑडिटोरियम खुला हो तो मैं इसको एक बार चेक करने गई, बट इट वॉज लॉक्ड तो मुझे फिर से मुड़ना पड़ा, अफसोस। मिरर के आगे आते ही मेरे अंदर का सिंगर जाग जाता है। ये है हमारी न्यू बिल्डिंग के सामने से दिखने वाला व्यू। ये है हमारा लेक्चर हॉल। ये बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड और फुल्ली एसी है। जाते जाते मैंने सोचा कि न्यू बिल्डिंग की ऊंचाई भी दिखा ही दूँ, मुझे तो ऊंचाई से बहुत डर लगता है। वो न्यू बिल्डिंग के बाहर आते ही
ये मिलेगा आपको एक साइन बोर्ड जहां आपको अलग अलग जगह जाने का रास्ता दिखा रखा होगा। इसकी एग्जैक्ट सामने ही है हमारा एनाटॉमी डिपार्टमेंट। फिर आगे चलते ही ये हमारा सारा एरिया है ओल्ड बिल्डिंग का, जहां न्यू बिल्डिंग बनने से पहले क्लासेस हुआ करती थी। ये सामने लेफ्ट की तरफ आ जाता है एम्बामिंग रूम, मतलब जहाँ पर डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है। फिर आगे आते ही आएगा ये डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इसके आगे है ओपीडी और आईपीटीज वाला एरिया। फिर आ जाते हैं हम जिम की तरफ। जिम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी लेडी हार्डिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। फ़िलहाल ये बंद था क्योंकि आज संडे है। फिर ये है हिंदी लाइब्रेरी। फिर और आगे चल के आ जाता है स्विमिंग पूल का एरिया, जो फ़िलहाल बंद है लेकिन गर्मियों में ये खुल जाएगा। इमरजेंसी एरिया गेट नंबर 6। ये एरिया यूजुअली कम्प्लीटली भरा रहता है पेशेंट्स की वजह से, पर क्योंकि आज संडे था तो ये एरिया हमें काफ़ी खाली दिख रहा है। सो गाइस, दिस इज़ लेडी हार्डिंग का कैंपस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Bye-bye.